Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. Now welcome to your own channel Molding Minds, and today we are discussing our next worksheet, that is our starting of biology topics. Okay, the first topic is life processes, yani ki jaivik kriyaen, wo those processes which are being done by a cell or an organelle, okay, in our body. So we will start reading. The fundamental life processes shown by living organisms are, तो basic processes का नाम दे रखा है, सबसे पहला nutrition यानी कि पोषण, उसके बाद respiration यानी कि absorption, next is excretion यानी कि उत्सर्जन, means you are throwing waste out of your body, next one is transportation means carrying out of essential nutrition parts or nutrients from one part to another part in our body, last one is growth and reproduction. Growth means you are increasing your density, you are increasing your height as well. And reproduction means you are producing your offspring, मतलब आने आने वाली जो एक तरीके से बोल सकते हैं आने वाली आपकी पीढ़ी है उसको जन्म दे रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन की परिभाषा हमें दे रखी है, क्या बोला इसने कि न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, फूड को खाने को अपने शरीर में धारण करते हैं, लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के रूप में, और साथ में एनर्जी तो बनती है साथ में वो वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट जरूरी पोषण पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स भी बनते हैं जो हमारे लाइफ के लिए हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखा, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब ये एनर्जी नहीं देंगे, ये क्या देंगे आपको, ये सिर्फ आपको पोषण देंगे, ये आपको न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। नेक्स्ट वन है, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स का या पोषक पदार्थों का काम क्या है कि भाई ये क्या करेंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, विकास में हेल्प करेंगे, आपका डेवलपमेंट करेंगे, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण एक तरीके से करेंगे, और अदर सब्सटेंसेस यानी कुछ और अदर कार्यों में भी इनका प्रयोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या है, देखो कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद जुटा पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कुछ डिपेंडेंट है, उनके बारे में पढ़ते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन, क्योंकि हमें सबको या तो एनर्जी चाहिए या हमें खाने के लिए पदार्थ चाहिए, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, पर उसको पूरा करना जो है वो अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स, तो जो आपका पोषण का प्रकार है, न्यूट्रिशन के प्रकार है वो दो हैं, पहला क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है आपका हेटरोट्रॉपिक, यानी कि स्वपोषी और परपोषी। अगर आप हिंदी में इसको बात करें, ऑटोट्रॉपिक को स्वपोषी बोलेंगे और हेटरोट्रॉपिक को परपोषी। देखिए ऑटो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, स्व यानी कि खुद, सेल्फ, उसके बाद हेटरोट्रॉपिक हेटरोवर्ड होता है मतलब इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इन दैट केस। ओके, तो इसमें देखिए क्या क्या अंतर दे रखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या बोल रखा है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, मेकिंग फूड ऑफ इट्स ओन बाई H2CO2 एंड H2O एंड सनलाइट। ये क्या है, देखिए इसमें क्या बोल रखा है, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल साधारण फूड जो है वो खाते हैं, वो कहाँ से लेते हैं साधारण फूड, वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जो आपके अजैविक जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वहां से लेते हैं, किसकी फॉर्म में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में, और उसको अपने लिए यूज करने के लिए खाना बना लेते हैं। किसके यूज से, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे और साथ में सूरज की रोशनी यूज करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखो ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और उसके बाद में खाना बना लेंगे। ऐसे ही एल्गी यानी कि आपकी जो हरित काई होती है एक तरीके से आप वो बोल सकते हैं, और सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपने आप ही खाना बना सकते हैं। उसके बाद हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखिए क्या दे रखा है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बोला है एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू, ये इन आर जो है यहाँ पर ये वैसे ही लिखा हुआ है तो इसको आप ओमिट कर सकते हैं, into simpler forms before they are used for growth and upkeeping of their bodies like all animals, humans and fungi। तो देखिए इसमें क्या, देखिए
ये एनिमल्स यहाँ पर जो यूटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स खाते हैं, जैसे फैट्स हैं और अदर कुछ कंपाउंड्स हैं वो खाते हैं, और वो उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको सिंपल 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 फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, और उसके बाद वो उसके एनर्जी ले पाते हैं ताकि उनका ग्रोथ हो और ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज वो कर सकें। इनके अंदर उदाहरण में क्या आता है, सभी जो आपके एनिमल्स वो आते हैं, ह्यूमन से यानी कि हम आते हैं और साथ में फंगल जो है वो आता है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। उससे पहले छोटा सा पॉइंट देखा, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सीधा ऊर्जा दे देते हैं वो तो जो है उनको हम प्लांट्स से सीधा यूज कर लेते हैं, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट जो इमीडिएट एनर्जी नहीं दे सकते, देखिए जैसे मान लो तो आप एक प्लांट ने एनर्जी कार्बोहाइड्रेट बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाने के बाद उसने क्या किया, कुछ तो खा उसको एनर्जी के रूप में चेंज कर ले, लेकिन कुछ उससे उस टाइम एनर्जी के रूप में चेंज नहीं हो पाया, तो उसको क्या करता है, स्टोर कर लेगा, और स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्टार्च। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है वो देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है तो द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम देयर सोइल एंड दे विल कन्वर्ट इट इन टू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए अब ये सारे जो चीजें हैं वो कैसे कैसे होती है उसके बारे में सुनिए। हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेंगे, उसके बाद जो पानी है वो किससे लेंगे, वो लेंगे जड़ों से, क्योंकि सोयल के अंदर जड़ें होती हैं, तो सोयल से मिट्टी से पानी जो है वो लेंगे और वो जड़ों के माध्यम से पत्तियों में आएगा। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में होने वाली प्रोसेस है, ठीक है, तो आएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, क्लोरोफिल होता है, हरित लवक जिसको हम बोलते हैं, जो पे जिसके कारण आपकी पत्तियां ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके बाद सनलाइट प्रेजेंट होती है तो उसके प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है, साथ में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है पत्तियों से वापिस, और पानी जो है वापिस जो बचा हुआ है वो जड़ों में चला जाता है। देखिए 12 मॉलिक्यूल्स पानी के लिए थे, उधर 6 मॉलिक्यूल बचे, मतलब 6 को यूज किया, 6 वापिस जड़ों में चला गया, वापिस सोइल में चला गया। दस ग्लूकोज प्रोवाइडेड इज यूज्ड टू फ्यूल वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज, मतलब जो ग्लूकोज बना है यहाँ पर उसको एनर्जी की तरह से सब सेल्यूलर या आपकी जो कोशिका की क्रियाएं हैं उनमें यूज किया जाएगा। द बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑक्सीजन, जो पूछता है फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो ऑक्सीजन है भाई, ठीक है, क्योंकि सब पत्तियां ऑक्सीजन निकालती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या क्या जरूरी है या साइट क्या है उसके बारे में। देखिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस दे रखा है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, देखिए एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। अभी स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो है स्टूडेंट्स वो पत्तियों में प्रेजेंट छोटे 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 छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोल देते हैं। तो उसके बाद पानी जो है एब्जॉर्ब बाय रूट द रूट्स, रूट्स जो है वो कहाँ से लेती है, सोयल से लेती है। सोयल से कौन लेके आता है, देखिए पत्तियों तक लेके आना है, लेकिन कहाँ से लेना है, जड़ों से, जड़ों से पत्तियों तक कौन लेके आता है, जाइलम वेसल्स लेके आते हैं, जो है जाइलम जो एक तरीके से नालियां होती, पाइप्स होती हैं जो कि पौधों के अंदर होती है। सनलाइट जो है वो किसके द्वारा मिलती है, वो मिलती है ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है हमारी पत्तियां जिसके कारण ग्रीन होती है, तो वो क्या करता है ट्रैप कर लेता है सनलाइट को। उसके बाद देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेकर का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्ट एज सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या C6H12O6 है ना, तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन वो कहाँ से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। पानी का क्या यूज है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। ये क्या करता है हमें पता है, H2 होता है पानी, तो H2 से क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, तो हाइड्रोजन को क्या करेगी, हाइड्रोजन को पौधा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्लब करेगा और ग्लूकोज बना देगा और ऑक्सीजन जो गैस बचे उसको बाहर निकाल देगा वापिस, किससे, आपकी स्टोमेटा के पत्तियों से, स्टोमेटा जो है पत्तियों के छेदों से, उनसे। उसके बाद जो वो सनलाइट है उसका क्या यूज है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, एनर्जी मिलती है वही से फोटोसिंथेसिस से, अब इसके बिना सूर्य की रोशनी के बिना नहीं कर सकते। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, क्योंकि वहीं पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है आपका ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वही ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को, तभी आपकी जाके सनलाइट को से आप पौधा जो है वो ऊर्जा ले पाता है इस क्रिया को करने के लिए। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट, नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द स्टेम और लीफ बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग सनलाइट, यानी ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेप प्रोसेस दे रखा है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में क्या हुआ,
सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेगा। दूसरे में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब क्या होगा आपका सूरज की रोशनी जो है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में आएगी, उसको हम क्या कर पौधे क्या करेंगे वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर लेंगे। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर क्या रिडक्शन होगा, मतलब एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा तोड़ी जाएगी। और वहां पर C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट वहां पर बनेगा। ठीक है, तो वहां पर आपका ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आपको दी स्टेप्स नीड नोट टू टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ये एक दूसरे के बिल्कुल बाद में, एक दूसरे के आसपास बाद में नहीं होते हैं, साथ साथ होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन, मतलब ये जरूर नहीं कि पहला स्टेप अगर अभी हुआ तो सेकंड स्टेप उसके तुरंत बाद हुआ, नहीं भाई टाइम ले सकता है। तो कैसे देखिए यहाँ पर, अब डेजर्ट में क्या होता है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेता है। फ्री फॉर इमीडिएट इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, रात के टाइम पे वो क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, लेकिन रात के टाइम पे सूर्य रोशनी इतनी उपलब्ध होती है ना, इसलिए वो इस क्रिया को दिन में कर लेता है, लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो दिए गए इसके बीच में जो डिफरेंस है, या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये भी एग्जांपल आप आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइफिस बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसके आंसर में आप ये वाली जो प्रोसेस है पूरी लिख सकते हैं विद केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर नाम भी दिया गया है। उसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर वॉटर इंक्रीज, हाउ और आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। रॉ मटेरियल के रूप में आप पहले से रॉ मटेरियल के रूप में आप ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है आपका, जो पानी है रॉ मटेरियल है, और साथ में सनलाइट उसमें चाहिए उसके लिए, तो फॉर्मूला भी आप ले सकते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो ऊपर टेबल बना रखा है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो ये पूरा टेबल आप रॉ मटेरियल से फॉर्मूला के साथ में आंसर में ले सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर देख रखता हूँ, यहाँ पर दिखा रखता हूँ। देखिए फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप ये ले सकते हो, यहाँ पर तो पहला पॉइंट है, और जो चाहे तो आप दूसरा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है देखिए उसका क्या क्वेश्चन दे रखा है, राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दे रखें, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर तीन स्टेप होते हैं। ठीक है, तीन स्टेप्स में पहले स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरे में क्या कन्वर्जन लाइट एनर्जी जो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे, और जो पानी है उसको आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन में तोड़ लोगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग और वहाँ ग्लूकोज मिल जाएगा। फिर तीन स्टेप्स आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसके आंसर में फिफ्थ क्वेश्चन के। ठीक है, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, कमेंट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन आवर कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट हाउ वी आर टीचिंग यू। ओके, दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ मोटिवेशनल इफेक्ट फॉर अस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय हिंद, जय भारत।